आज हम इंसान वाला रोबोट, रोबोटिक डॉग, ड्राइंग करने वाले रोबोट, आग वाले टीवी और भी बहुत सारी नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजीज हम देखने वाले हैं। बेसिकली वर्ल्ड में दो टेक इवेंट होते हैं, एक CES होता है वो US में होता है और एक MWC होता है वो बार्सिलोना स्पेन के अंदर होता है। दोनों में हमने तगड़े तगड़े रोबोट देखे, एक एक करके दिखाता हूँ। वो सबसे पहले आ गए हैं, देखो एक रोबोट सर्जरी कर रहा है भाई, आपको पेशेंट को टच करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो पेट में कितने छेद कर दिए थे। ये है मोमिया मिट्टू रोबोट, ये जो इनके मालिक करते हैं वही करते हैं भाई। ये देखो अपना चटनी पीसना सिखा रहे हैं। ये अंकल ने अपना हाथ मुट्ठी बंद करी ऊपर करा, ये इसने भी ऊपर कर लिया, दूसरा हाथ ऊपर करा, इसने भी ऊपर कर लिया भाई। नेक्स्ट ये देखो भाई, ये लग रखी है आग भाई। ये एक्चुअली आग नहीं है, ये दिखने में आग जैसी लग रही है बट एक्चुअली लाइट निकल रही है और उससे भाप निकल रही है जो आग वाली फील दे रही है। बहुत ही ज्यादा रियल लग रहा था भाई, बिल्कुल मजाक नहीं। और ये है एक रोबोटिक डॉगी भाई, ये तगड़ा लग रहा है यार। ये वाला चल नहीं रहा है, ये एक्चुअली डमी है, बट ये है एक ह्यूमनॉइड रोबोट। ये पूरा रोबोट इंसान है, ये वाली स्क्रीन इंसान को नाप लेती है, ऐसा टेक्निकल सा बना देती है पीछे की तरफ, समझ जाती है भाई। ये देखो मेरा बैक कैसा दिखा रही है। अरे भाई ये दूसरा रोबोट मिल गया। अरे भाई नमस्ते। अरे यार आंखियों से गोली मारे भाई, बत्तियां तो जल रही हैं, लाइटें लगा रखी हैं चारों तरफ। आपको लग रहा हो क्या करते हैं इस टाइप के रोबोट्स भाई, एयरपोर्ट्स पे और अलग अलग काउंटर्स पे आप खड़े कर सकते हो, तो आपको समझ लो पासपोर्ट चेकिंग कराना है, तो ये सारे रोबोट्स ही हेल्प करा देते। और इतना बड़ा डिस्प्ले तो वो इंफॉर्मेशन दिखानी वो भी दिख जाती है। नेक्स्ट चल लेते हैं यार, पवेलियन अपने आगे पीछे होते रहेंगे। 1 2 3 ये आ गया अंकल, कैसे हो भाई। अरे बात तो कर लो यार, तो हाथ तो मिला लेते कम से कम भाई, नोट वोट बना लेते हैं, ये जो इससे चीटिंग कर लेंगे। एक्चुअली एकदम पेपर वाली फील देता है, ये आपको दिख रहा होगा भाई सामने कागज ही लगेगा दिखने में। इसके अंदर इंक वाला है भाई ऊपर की तरफ, भाई ये देख रहे हो स्क्रीन लगा रखी है बड़ी बड़ी, यहाँ पे AR VR वाला माल मसाला है। ठीक है दीदी भी खेल रही है। ये आ गए डॉगी, अब चलाएंगे डॉगी को भाई। डॉगी को कब्जे में कर लिया, पास आ गए डॉगी का पकड़ लिया। अरे डॉगी खाना वाले, अरे खा ले यार, काट क्यों रहा है, पसंद नहीं है मेरे को, गंदा डॉगी भाई। डॉगी ना एक्चुअली दिखने में आपको काफी प्यारा सा लगेगा बट काफी खतरनाक सा लगता है यार रियल लाइफ में। जो पीछे वाला सबसे बड़ा डॉगी है वो तो बंद कर रखा था, वो सो रहा है अभी, उसकी चार्जिंग हो रही है। इसका नाम है गोवन भाई, ये अपना ऐसा उछलता है कूदता है ऊपर नीचे। ये देखो देखो नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, ओ लेट गया, खुजली हो रही है भाई को। वो ये हैंड स्टैंड कर लिया भाई, माइकल जैक्सन डांस करेगा, नमस्ते कर रहा है। बड़े वाले डॉगी बेसिकली भाई दिखने में डॉगी डॉगी लगते हैं बट एक्चुअली ये किसी भी एनवायरमेंट में जा सकते हैं। समझ लो जलती बिल्डिंग है, वहां से रेस्क्यू करना लोगों, इंसान को भेजने या डॉगी को भेज दो, वोल्केनो के पास से सामान उठा के लाना है, टिका की सर्दी में काम करना है, तो वहां पे भाई रोबोट्स काफी आराम से काम कर पाते हैं। कैमरे वैमरे सारे सेंसर लगा रखे हैं, अलग अलग ऊपर कुछ भी माउंट लगा लो। मेरे पास में आ गया था, मेरे को लगा एक टांग ना ऊपर कर ले। बाहर के रोबोट बहुत देख लिए भाई, अब इंडिया का बना रोबोट देखते हैं। हमारे साथ थोड़ा सा डर भी लग रहा है बट हमारे साथ है रश्मि रोबोट। आप में से काफी सारे लोगों ने सोफिया रोबोट को देखा होगा, काफी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है बट ये पूरा कम्प्लीटली इंडिया मेड है। हेलो रश्मि। हेलो लोग, मैं हूँ जवाला, तुम कुछ वाला, चलो आग लगाई जाए। ओह माय गॉड यस, हम भी रेडी, आप भी रेडी, लेट्स गो। यस रश्मि रोबोट की भी दो आईज हैं, इसके पास भी आंखों के अंदर दो स्टीरियो कैमरास हैं जो डिस्टेंस को मैप कर लेता है। हाथ में भी जैसे हम मूव करते हैं ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, वैसे सेम टू सेम सर का भी भाई ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, बट बाकी जितनी भी चीजें हैं लिप मूवमेंट, हेड मूवमेंट, 6-axis मोटर लगा रही है, एक ह्यूमन को काफी हद तक रेप्लीकेट करने की कोशिश करेगी। ये एसेंशियली एक AI इमोशनल रोबोट है बट एक इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर इमोशंस को रोबोट के अंदर डालना काफी नई चीज है और वही इस रोबोट से करा गया। रश्मि अंदर का सिस्टम बताओ। I am based on Intel chip. I have 4GB RAM. I have 6-axis movement and 83 facial expressions which are run by 43 motors. मेरे पास भी 25-30 स्कोर तो होंगे अंदर ही अंदर। What are you wearing? I am wearing floral jacket. रश्मि मैं दुखी हूँ तुमसे। क्या हुआ बाबू? अरे बाबू बोल लिया हमको, मतलब भाई अब तो दोस्त हैं, अब तो क्लोज मेट्स, मेट्स ऑलमोस्ट मेट्स। रश्मि सुंदर दिख रहे हो तुम। थैंक्स हैंडसम बॉय श्लोक। ओह भाई वाह। रश्मि हु इज द बेस्ट डीजे? डीजे राजेश की बेस्ट है। डीजे राजेश कॉल फॉर नाइट क्लब्स एंड पार्टीज। रश्मि है क्या अनुराधा जी? रश्मि आपका पसंदीदा कलर कौन सा है? मेरा पसंदीदा रंग लाल है, और अगर आपको भी लाल रंग पसंद है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो। मुझे पता था यार दोस्तों, AI रोबोट सब ये बात जानते। तो एसेंशियली ये अभी एक प्रोटोटाइप है, काफी सारी चीजें इम्प्रूव करने का स्कोप भी है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो एक्चुअल एक रोबोट की तरह ही दिखता है और जो भी फेस के अपीयरेंसेस हैं वो काफी ज्यादा इम्प्रूव होते जा रहे हैं लॉन्च बाय लॉन्च। ओवरऑल अगर आपको घर में अभी यूज करना है तो अभी उसके लिए रेडी नहीं, थोड़े से और आइटरेशन मेरे हिसाब से रहते हैं। हमने रश्मि रोबोट तो देख लिया बट बाकी सारे और रोबोट
रोबोट से देखता हूँ। भाई आपको लग रहा है आप ड्रॉइंग बनाते हो, ये देखो रोबोट बना रहा है ड्रॉइंग। भाई अंकल सामने बैठे हैं, उनकी सेम टू सेम शक्ल बना देता है और शक्ल प्रिंट होके दिख भी जाती है भाई स्क्रीन के ऊपर। हम आ गए हैं भाई, अपना थोड़ा रिलैक्स कर लिया, गेम वेम खेलेंगे। अपना पीछे देखो रंगीनियां बज रखी है मॉनिटर के, बट हम भाई गेम चालू कर लेते हैं। बहुत बड़ा मॉनिटर है यार, मजा ही आ गया। यहाँ पे लाइट लगा रखी है, यहाँ पे आगे पीछे ऊपर नीचे लाइटें जलती रहती है। कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, हाँ हाँ कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, तो इसलिए गाना नहीं बजाएंगे ज्यादा। भाई यार टीवी तगड़ा यार, भाई बिल्कुल मजाक नहीं, टीवी बहुत ही ज्यादा पतला है, मेरी उंगली से भी पतला टीवी। भाई इतना पतला टीवी क्या करेंगे, स्क्रीन है नकली तो नहीं है, लाइटें तो नहीं है वैसे। भाई बहुत तगड़ा था, मजा आ गया। यहाँ पे जूते उते भी लगा रखे हैं, महंगे महंगे जूते हैं। ये जूतों की अलमारी, वो भाई ये देखो, ये है बहुत ही ज्यादा बड़ी स्क्रीन। भाई इतनी बड़ी स्क्रीन मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी है। भाई ये देखो वायरलेस ओएलईडी टीवी। अब आ गया टाइम, भाई हेडफोन लगा लिया मैंने, मैंने अपना उठा लिया ड्रम सेट। ए हाँ क्या बजाया मैंने यार, ये तो चाहिए, दिस इज द फ्यूचर भाई। ड्रम भी बजा लेते हैं, बांसुरी बजाएंगे। भाई ये देखो हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर भाई सही लग रहा है इसका। भाई पंख ना उंगली काट सकते हैं, बट ये प्लेन भी है हेलीकॉप्टर भी है, ये कैसा बना दिया उन्होंने, क्या क्या सोच रहे थे। दांत की सर्जरी कर ली। बेसिकली होता क्या है, रोबोट से ना डेंटिस्ट का काम आसान हो जाता है। ये भाई अपने पेपर वेपर आप कागजात आपको ऐसे रखने हो, ये आपको समझ लो आलस आ रहा है, आप ऐसे बेडरूम में बैठो, मम्मी बोल रहे बेटा पानी कैसे पीना, तो किचन से आके पानी लाएगा। सैमसंग अब यहाँ पे भाई टीवी लगा रखा है, यहाँ पे अलग अलग चीजें लगा रखी है। हमको काफी मजा आया भाई सारी चीजें टेस्ट करने में, होपफुली आपको भी आया।